हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ सिंपल वर्ड्स को यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप अपने इंटेंशंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे ये आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट लाते हैं, कैसे ये काम करते हैं, और ढेर सारे वन वर्ड मंत्रास मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कोई भी वन वर्ड मंत्रा यूज़ कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा कर सकते हो, कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। तो इसके पहले हम बात करेंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों है, ये किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं, ये कैसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और किस तरीके से ये आपके माइंड पर प्रभाव डालते हैं, और वन वर्ड मंत्रा आखिर है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के राइटर ने अपनी बुक में ये बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मनी वर्ड पे फोकस करिए, दौलत दौलत दौलत, और इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देते हो और वहाँ उसका फोकस लेके जाते हो जहाँ से वो खुद ब खुद धन को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ब्रह्मांड ने इस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल, या यूँ कहें कि इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल टूल माइंड दिया है, और माइंड की हेल्प से हम अपने जीवन में जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं। हाउएवर, एक शांत मन ही आपके जीवन में वो आकर्षित करवा सकता है जो आप करना चाहते हो। अगर आपका मन शांत नहीं है, लो वाइब्रेशन में फंसा हुआ है, तो फिर आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की बुरी परिस्थितियों को आकर्षित करते हो। हाउएवर, अगर आपका मन शांत है, हाई वाइब्रेशन पे है, ग्रैटिट्यूड में है, लव की फ्रिक्वेंसी पे है, आपके अंदर अच्छे थॉट पैटर्न्स हैं, तो आपका वही मन आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ला करके दे सकता है। जैसे आपके लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में आपके जिस तरीके से रीप्रोग्रामिंग हुई है या प्रोग्रामिंग हुई है, जिस तरीके के थॉट पैटर्न्स आपके अंदर है, बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ है, वैसे ही आपकी लाइफ के हर एरिया में चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि हमारा मन क्या है। मन और कुछ नहीं बल्कि आपके विचारों का एक समूह है, यानी कि जितने भी विचार हैं आपके अंदर, उनका अगर हम बंडल बना ले, कलेक्शन कर ले, उनका समूह बना ले, तो वही आपका मन बनता है, और वही फिर वहाँ से आपका जीवन बन जाता है। तो इस तरीके से हम ध्यान दें अगर कि ये विचार कैसे बनते हैं, तो विचार शब्दों से बनते हैं, है ना। तो इसलिए ही वन वर्ड मंत्रा इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने वन वर्ड मंत्रा पे फोकस करके अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप चलते फिरते घूमते या कोई भी काम करते हुए बस इस वर्ड पे मेडिटेट करो, इस वर्ड को आप यूज़ करो, और मैं आपको बता रही हूँ कि इस वर्ड पे सिर्फ यूज़ करने की वजह से आपकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। और ये इतना ही पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि जब आप इसे यूज़ करते हो तभी आपको इसकी शक्तियों का अंदाज़ा होता है, क्योंकि जितने भी मेंटल वर्क होते हैं वो सब कुछ काम करने पे अपना असर दिखाते हैं। ये कभी भी थ्योरी में काम नहीं करते, हमेशा इसका प्रैक्टिकल काम करता है। तो इसीलिए आपको भी पूरे दिल से, पूरे ध्यान और फोकस के साथ में यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से वन वर्ड मंत्रास आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पीस। पीस का मतलब क्या है, शांति। ये कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में, काम करने में मदद करती है, ताकि आप अपने विश के ऊपर फोकस कर सको और आप इसे मैनिफेस्ट कर सको, यानी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सको। इसके बाद सेकंड वर्ड है लव। ऑब्वियसली जिसे भी अपने जीवन में प्यार चाहिए, कंपैशन चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, उन्हें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए। फिर आते हैं ग्रैटिट्यूड पे। ग्रैटिट्यूड तो यूनिवर्स का फेवरेट वर्ड है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट यूज़ कर सकते हो, वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। यूनिवर्स पे आपको अगर भरोसा नहीं हो पाता, खुद पे नहीं हो पाता, तो आप कर सकते हो। इसके बाद आप जॉय वर्ड को यूज़ कर सकते हो ताकि आपके अंदर हैप्पीनेस आए। इसके अलावा कंपैशन, अबंडेंस, फ्रीडम, स्ट्रेंथ, फोकस, स्टिलनेस, हीलिंग, बैलेंस, यूनिटी, और इसी तरीके से आप ओम को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी ऐसे वर्ड को यूज़ करना चाहते हो जैसे कि शांति, सुख, आनंद, सत्य, मोक्ष, जपा,
इस तरीके के वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अब कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि लोग सेवन चक्रास के जो बीज मंत्रास हैं उन्हें भी यूज़ करते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छी नॉलेज शेयर करी है एंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप मुझे इंस्टा या जीमेल के थ्रू कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको हमेशा ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के स्क्रीन पर मिलती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।